अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? इधर सब हाँ ठीक ठाक होंगे, इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। कैसे हैं? लीजिए जनाब, आज हम जो खाने लगे हैं वो आप देख सकते हैं, ये है कलेजियाँ, ये बकरे की कलेजियाँ हम खाने लगे हैं आज। ओ, बकरे का कलेजा खाने लगे हैं। बहरहाल ये एक डिश होती है, बहुत सारे लोग ये डिश खाते हैं, बड़ी अच्छी डिश बनती है ये, कभी कभी बनती है, ज़्यादा इतनी ज़्यादा नहीं बनती, कभी कभी बनती है। ओके ये ओके, व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, टेक इट, नो, ओके, कभी खाना बनती। पसंद आज है, हम ये खाने सादा लगे हैं, खाना। हरी चटनी साथ है, ये खीरे हैं, और हमारी मानो है जो हमें साथ साथ तंग कर रही है। तो बहरहाल ये है कि हम कोशिश करते हैं कि इसको साथ बिठा के तो कुछ थोड़ा सा अपना काम भी कर लें और खाना भी खा लें। ये नहीं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। वो पहले जो वीडियो हमने बनाई पायो के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। वो माशाल्लाह बहुत सारे कमेंट्स आए हैं उसके मुतल, लेकिन ज़्यादातर यही कमेंट्स हमें मिले हैं कि लोग ज़्यादातर पाए जो हैं वो नान रोटी और इस तरह की चीज़ों के साथ खाते हैं, चावलों के साथ कम ही खाते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं चावलों के साथ खाता हूँ, ये रोटी नान जो भी हो उसके साथ खाती है। लेकिन एक चीज़ है जो मैं बहुत यानी पसंद करता हूँ, इसकी मेरे लिए ये चावल बनाती है, चाहे कुछ भी हो, पाए पके हों, मेरे लिए चावल बनाती है। तो थैंक यू वेरी मच। तो उसके बाद ये है कि बहुत सारे लोगों ने लिखा, किसी ने लिखा रोगनी नान से खाते हैं, किसी ने कहा कि हवानी नान से खाते हैं, किसी ने कहा तंदूर की रोटी से खाते हैं। ठीक है, वो यानी ये अपना अपना टेस्ट है, जैसे भी करते हैं, लेकिन पता ये चला है कि ज़्यादातर लोग नान रोटी के साथ खाते हैं, चावलों के साथ लोग पाए कम कम खाते हैं। तो इससे ज़रा पता है। अब ये कलेजियाँ आज हम खा रहे हैं, अब ये देखिए, ये तो रोटी के साथ ही खाई जाती ये है, तो खा रोटी के साथ खाया जाता है ना, चावलों लेकिन के साथ। हमने इसको जैसे बनाया हुआ है, आप लोग कैसे बनाते हैं? हमने कैसे बनाया जी आपने? मसाले के मैं साथ वो बना के भून दिखाऊंगी फिर। के हम खा रहे हैं। तो आप बताएं आप लोग कैसे ये चीज़ खाते हैं? एक मिनट बेटा, मुकम्मल कर लेने दो ना हमें, इधर रखो पास। तो आप हमें बताएंगे आप लोग कैसे इसको कलेजी को खाते हैं? बाद लोग गुर्दे भी खाते हैं, हम सिर्फ कलेजियाँ खाते हैं। तो कलेजी बहुत पसंद है मुझे, आजकल अच्छी लगती है, इसको भी पसंद है। तो एक दो और कमेंट्स से बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, लेकिन कुछ लोग एक कमेंट्स में से एक कमेंट्स एक हजरत जो है वो या बीवी जो है वो काफ़ी दिल बर्दाश्त और नौमीज सी, नौमीज सा उन्होंने कमेंट किया हुआ था। तो गुजारिश यही है कि अल्लाह की, अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी होता है अल्लाह अल्लाह जो है ना वो सब जानता है, हर चीज़ देखता है, बस उसके ऊपर इतमाद इतकाद और यकीन पुख्ता होना चाहिए। जो कुछ भी है उसको हंसी खुशी सहें, बर्दाश्त करें, सब्र करें, बस इंशाल्लाह सब ठीक हो जाता है। तो आज की वीडियो इस तरह है, बस हम कलेजियाँ खाते हैं। तो आप कमेंट्स करके बताइए कि आप इसको कैसे पकाते हैं और कैसे आप लोग खाते हैं। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे बात होगी। अब खाना से इतना खाया नहीं जाएगा अगर मैं बातें करता रहूँगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आप सबसे राज़ी हो, और इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।